करूंगा कि जो चीजें मैं थोड़ा बहुत तलाश सका हूँ, कोई भी रिपोर्ट परफेक्ट नहीं होती, हमेशा उसमें सुधार की गुंजाइश होती है, लेकिन जो मैं तलाश पाया हूँ वो आपको कुछ सोचने समझने पर मजबूर करे और आपकी उसमें भूमिका तय करे। ये मित्रों हमारे देश के लिए बहुत ही गंभीर समय है और जिस बात को मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप इसकी गंभीरता को इसके तथ्यों के रोशनी में ध्यान से समझिएगा। और जो हस्तक्षेप आप जिस एक नागरिक हैं, आप जैसे मैं भी एक नागरिक हूँ, मुझे लगा कि हम लोग अपने जो हम लोग पोर्टल निकालते हैं उस पर इस बात को रखें। आप नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारी समझते हो, जहां इसको रखना चाहें जरूर रखिए, क्योंकि ये हमारे आपके जीवन, हमारे आपके बच्चों के भविष्य, हमारे देश के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। आज हिंदुस्तान टाइम्स और द ट्रिब्यून में एक खबर आई है। ये खबर ये बताती है कि बीते 4 मई से ये चुनाव चल रहे हैं, चुनाव आयोग की फॉर्मल मीटिंग्स नहीं हो रही हैं 4 मई से। आज हम 18 मई को ये बात कर रहे हैं और 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में जो दूसरे नंबर पर हैं सज्जन अशोक लवासा आईएएस साहब, उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त को कि जिस तरह से आप इसको कंडक्ट कर रहे हैं ऐसी स्थिति में मेरे लिए अब आपकी किसी मीटिंग में आना संभव नहीं है। आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के बाद देश का ये दूसरा संस्थान है, कुछ मामलों में ये पहला संस्थान है, क्योंकि ये देश की हर 5 साल बाद, अगर 5 साल में चुनाव हो तो ये तय करता है कि देश की सरकार कौन कैसे बनाएगा, क्या नीतियां होंगी, कौन सा दल होगा या कई दल होंगे या क्या होगा, उसकी जिम्मेदारी जिस पर है, हमारी आपकी राय को तय कराने की जो जिम्मेदारी ईमानदारी से, वो चुनाव आयोग आज दो राहे पर है, दो पार्ट है, दो फाड़ है, फट गया है। ये नौबत आप बहुत से छोटी छोटी खबरें बहुत सारी आपने पढ़ी होंगी, ये नौबत क्यों आई? ये नौबत इसलिए आई कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो सेना के मामलों को चुनाव के अपने कैंपेन के दौरान लगातार उछाल कर मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे, उन पर जो शिकायतें आती थी, उन शिकायतों पर जब कमीशन अपनी मीटिंग करता था और बैठता था तो उसमें दो राय होती थी। जिन्होंने ये पत्र लिखा है वो हर मामले में प्रधानमंत्री को बेदाग बरी करने की राय के नहीं थे। आप जानते ही हैं कि इसी चुनाव आयोग ने खुद ही एक सूचना निकाल के प्रेस में जारी करके, उनके वेबसाइट पर मौजूद है, ये कहा था कि कोई भी दल, कोई भी नेता हमारे चुनाव प्रचार में, इस बार के लोकसभा के चुनाव प्रचार में सेना और सेना से जुड़े मसलों का इस्तेमाल नहीं करेगा। इस चुनाव आयोग ने एक किताब प्रकाशित हो रही थी रफाल पर, किताब कोई चुनाव नहीं लड़ रही थी, लेकिन उस किताब का प्रकाशन वहां से, चेन्नई की बात है, राम साहब उसका उद्घाटन करने वाले थे, वो किताब हट वाली थी, उसका जो कार्यक्रम था वो रद्द करा दिया था। तो एक ओर तो आपका ये रवैया है, दूसरी ओर जब आपके पास प्रधानमंत्री से संबंधित, उनके दल से संबंधित, उनके दल के लोगों से संबंधित शिकायतें आती हैं तो आपका दूसरा रवैया है कि आप उनको कुछ भी करने की इजाजत देते चले जा रहे हैं, देते चले गए। इस पूरा, अब तो चुनाव लगभग खत्म है, कल आखिरी चरण का मतदान है, 60 सीटों से भी कम सीटों का मतदान है, तो देश में 543 सीटों में अधिकतम का 480 से ज्यादा सीटों का मतदान हो चुका है। तो ये सब जो कुछ हुआ ये ऐसी चीज है जिस पर हमको आपको गंभीर होना चाहिए, ये हंस के उड़ा देने वाली बात नहीं है या एक और चीज हो गई वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर हमारे देश के चुनाव ही भरोसे लायक नहीं रह जाएंगे तो इससे ज्यादा बुरा तो किसी भी लोकतंत्र के लिए, किसी भी सभ्य समाज के लिए और क्या हो सकता है। हर तरह का बंटवारा हम झेल रहे थे, लेकिन ये जो बंटवारा है कि हमारी ऐसी संस्थाएं बढ़ जाएं न्याय और अन्याय के सवाल पर, जिनके हाथ में देश के ऐसे फैसलों की बागडोर है, वो बहुत ही गंभीर स्थिति है। जिन अशोक लवासा साहब ने ये मुद्दा उठाया है वो 1980 बैच के हरियाणा कैडर के अफसर हैं, 21 अक्टूबर 1957 को उनका जन्म हुआ था और वो हमारे देश में कई विभागों में सेक्रेटरी रह चुके हैं। ज्यादातर वक्त उन्होंने मोदी जी की सरकार में ही सेक्रेटरी रह के गुजारा है, वो हरियाणा में विभिन्न पदों पर रहे। हाँ, उनकी पहली नियुक्ति केंद्र सरकार में सेक्रेटरी पद पर 1 जनवरी 2014 को हुई थी, लेकिन उसके 3 महीने बाद ही, आप जानते हैं सरकार 4 महीने बाद मई में बदल गई थी, तो वो लगभग वही काल था जब चुनाव की तैयारी हो रही थी, जो लोग चुनाव में 14 में जाने वाले थे, उस समय वो केंद्र में आए थे। लेकिन उसके बाद वो हमारे देश में एनवायरमेंट डिपार्टमेंट और यूनियन एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी रहे और बाद में उनको फिनेंस सेक्रेटरी का भी डिजिग्नेशन मिला, हालांकि बाद में वहां दूसरे लोग नियुक्त हुए, लेकिन उनको डिजिग्नेटेड फिनेंस सेक्रेटरी भी कुछ समय के लिए कहा गया। इलेक्शन कमीशन में ये 23 जनवरी 2018 को एक कमिश्नर के तौर पर नियुक्त हुए। मैं थोड़ा सा आपको कमीशन के बारे में बता दूं, जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको अगर यह देश हटाना चाहे
तो उसे इम्पीचमेंट, संसद के इम्पीचमेंट के प्रोसेस से जाना होता है और वो सलाह राष्ट्रपति को जाती है। अगर इम्पीचमेंट सफल होता है, इम्पीचमेंट बहुमत से हो जाता है, तो राष्ट्रपति को जाती है, राष्ट्रपति उनको हटा सकते हैं। लेकिन जो बाकी दो सदस्य हैं उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं। तो ये थोड़ी सी टिकलिस पोजिशन होती है सदस्यों की तुलनात्मक रूप में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने। हालांकि ऐसा कोई मौका हमारे सामने अभी नहीं आया है, लेकिन एक मैं स्थिति बता रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में भी यदि दूसरे नंबर का हमारा जो कमिश्नर है चुनाव आयोग के, और वो इतनी बड़ी बात अगर कह रहे हैं, तो हमें उसको गंभीरता से लेना होगा। अब मैं एक एक करके कुछ और दूसरी बातें बताऊंगा जिनकी वजह से इस मामले की गंभीरता बहुत बढ़ जाती है। इस बीच में थोड़ा सा सबसे पहली बात तो यह है कि आप जानते हैं हमारे देश में चुनाव आयोग का जो आज का रुतबा है, जो उसकी साख है, जो उसकी इज्जत है, उसको ये इज्जत प्रदान करने वाले नायक का नाम है TN Sheshan। इस देश में जो भी सोचते समझते हैं, पढ़ते लिखते हैं, वो जानते हैं कि TN Sheshan वो नाम है जिसने इस चुनाव आयोग को चुनाव आयोग बना दिया। वो उस जमाने में मुख्य चुनाव आयुक्त थे जिस जमाने में बहुत सारे उत्तर भारत के इलाकों में और दक्षिण भारत और मध्य भारत के इलाकों में बूथ कैप्चरिंग आम फहम थी। बूथ लूट लिए जाते थे, गुंडे बदमाश चुनाव जीत जाया करते थे या उनके लोग जीत जाया करते थे। ऐसे राजनेता जो गुंडे पालते थे वो जीत जाया करते थे, लोगों का मत लूट लिया जाता था। मान लीजिए 1600 बूथ है, 200-300 बूथ पे 90% से ज्यादा लूट लिया गया तो वोट एक तरफा हो जाता था। उन्होंने उस जमाने में चुनाव आयोग को दांत दिखाए, चुनाव आयोग को ताकत दी और चुनाव आयोग को साबित किया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन ऑप्टिमम कुछ नहीं होता, वो कंप्लीट कुछ नहीं होता, ऑप्टिमम हो सकता है। उसमें जितना मैक्सिमम हो सकता था उन्होंने करके दिखाया। और उसके बाद से चुनाव आयोग ने दिखा दिया कि कोई भी सत्ता में हो, कोई भी विपक्ष में हो, कोई कितना बड़ा 30 मार का नेता हो, चुनाव आयोग चाहे तो उस क्षेत्र में, जिस किसी क्षेत्र में ऐसी समस्या है, किसी राज्य में ऐसी समस्या है या किसी इलाके में ऐसी समस्या है या कुछ बूथों की यह समस्या है, उसका निदान किया जा सकता है, वहां फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जा सकते हैं। तो शेषन साहब ने जो संस्था इस मयार तक पहुंचाई, जिसके बाद लिंगदो साहब, बहुत सारे लोग रहे, कुरैशी साहब, बहुत सारे हमारे नायक रहे हैं जिन्होंने संस्था को एक ऊंचा मकाम दिया और देश में जनतंत्र में जनता को अपनी ताकत में 5 साल पे या 2 साल पे जब भी ये मौका मिले अपने वोट की ताकत का इजहार करने में लोगों का भरोसा पैदा हुआ। गरीब से गरीब आदमी, आदिवासी इलाके का आदमी, दलित और दूसरे कमजोर समाजों से आने वाले, उपेक्षित समाजों से आने वाले, छुआछूत और तमाम तरह की चीजों के शिकार लोग, उन लोगों को इस चुनाव आयोग, चुनाव प्रक्रिया, हमारे लोकतंत्र में भरोसा पैदा हुआ, शामिल हुए वो उसमें, मतदान के प्रतिशत बढ़े, एक से एक विकास हुए। और ठीक उस समय जब हम दूसरी बीमारियों का इलाज करने की ओर बढ़ रहे थे, चुनाव में धन का इस्तेमाल, चुनाव में काले धन का इस्तेमाल, चुनाव में लोगों को मजबूर किया गया तमाम सोशल कैंपेन्स के जरिए कि अपने बारे में सारी चीजें आपको एफिडेविट पे देनी पड़ती हैं आजकल, और उसी का नतीजा है कि हमें पता रहता है कि कौन अपराधी है। ये और बात है अपराधी जीत रहे हो, लेकिन हमें यह पता है कि संसद में कितने लोग हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, क्योंकि उनको ये भरना पड़ता है। हमें यह पता होता है कि जो जीत रहे हैं उनकी आर्थिक हालत क्या है, जिससे हमें पता चलता है कि सारे करोड़पति ही क्यों जीत रहे हैं। तो इस तरह की जो व्याधियां हैं इनको धीरे धीरे एड्रेस करने की ओर हमारा लोकतंत्र बढ़ रहा था। लेकिन उस समय जो ये इस बार के चुनाव में जो कुछ हुआ है और जैसा हो रहा है और जैसा आगे हो सकता है वो बहुत ही गंभीर है, और ये सही समय है कि हम इस पर चेतें, इसकी गंभीरता को पूरी शिद्दत के साथ इसका मुकाबला करें, इसको फिर से ठीक करें, इसको फिर से उस मयार तक ले जाएं। तो आप सोचिए कि शेषन साहब ने, जिनका मैं इतनी देर से जिक्र कर रहा था, उन्होंने, वो बीमार हैं काफी, वो काफी समय से किसी भी किस्म की सूचना से परे हैं। बहुत से लोगों ने, तो हम लोग जब प्रोग्राम तैयार कर रहे थे, कुछ सूचनाएं मंगा रहे थे, तो लिख दिया कि वो जीवित भी है कि नहीं। तो जिनके बारे में ऐसी धारणा रही, उन्होंने 25 साल के बाद किसी चुनाव आयुक्त को फोन किया और कहा कि तुम बहुत गलत कर रहे हो। मनीष छिब्बर नाम के पत्रकार ने इसका एक्सपोज किया। आज से काफी दिन पहले मनीष छिब्बर ने 17 अप्रैल 2019 को एक ट्वीट अकाउंट पर, अपने ट्विटर अकाउंट पर लिख के ये बताया, और बाद में उन्होंने एक तिरंगा टीवी में एक विजुअल स्टोरी भी की इस बारे में। आज तक वो मौजूद है इंटरनेट पर, आज तक वो ट्विटर पर मौजूद है, वो वीडियो मौजूद है, तो मैं समझ सकता हूं कि ये बात सच्ची है, वरना चुनाव आयोग ने कोशिश करके उसको हटवा दिया होता। तो ये 17 अप्रैल को उन्होंने कहा कि टीएन सेशन साहब ने पहली बार 25 सालों में फोन करके वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को, श्री सुनील अरोड़ा जी को फोन करके कहा कि ये तुम जैसे चला रहे हो चुनाव आयोग, जो कुछ कर रहे हो, जितना स्पाइनलेस तुम्हारा करेक्टर है, ये बहुत ही शर्मनाक है। आप जानते ही हैं कि हमारे देश में तमाम तरह के सोशल ग्रुप्स अपने अपने इफेक्ट डालते रहते हैं। 8 अप्रैल 2019 को करीब 66 रिटायर्ड IAS, IPS और सेना के उच्च अधिकारियों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस देश में चुनाव इस बार कंडक्ट किए जा रहे हैं,
ये हमारे लोकतंत्र का मजाक है, ये कानून कायदों का मान्य कायदों का उल्लंघन है, ये संविधान की अवहेलना है। राष्ट्रपति जी इस पर हस्तक्षेप कीजिए। लेकिन आप जानते हैं हमारे देश में सारी संस्थाओं का इस समय क्या हाल है, राष्ट्रपति जी के ऑफिस का भी वही हाल है, उन्होंने क्या किया हमारी जानकारी में नहीं है। इसके पहले ये 8 पेज का बहुत डिटेल्ड पत्र है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा इन अफसरों का पत्र, और हम लोग जो स्टोरी वगैरह करेंगे उसमें भी इसको अटैच कर देंगे, तो आप हमारी वेबसाइट पर जब आएंगे तो वहां भी आपको मिल जाएगा। इसके पहले 26 मार्च को इन्हीं अफसरों के दल ने इसी तरह से चुनाव आयुक्त को पहले पत्र लिखा था और उनको 1, 2, 3, 4 करके पॉइंट वाइज बताया था कि कहां कहां आप क्या क्या गलत कर रहे हैं। लेकिन वो गलतियां लगातार होती जा रही है। और आपने अभी बंगाल वाले मामले में देखा कि एक भीड़ लेकर एक दल जो सत्ता में है, देश भर से जुटाए हुए लोगों की भीड़ लेकर वहां के नागरिकों पर हमला करता है, और उसी दल के पक्ष में चुनाव आयोग फैसला कर देता है कि उस दिन नहीं, अगले दिन रात 10 बजे से चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा एक दिन पहले। किनके हक छीन लेता है और किनको हक देता है। अगले दिन प्रधानमंत्री की 2 सभाएं लगी हुई थी बंगाल में, वो दोनों सभाएं हो जाती हैं, उसके बाद आप प्रचार रोक देते हैं। भाई इस मामले में 2 पक्ष हैं, एक तो सबने टेलीविजन चैनलों पर वीडियोज में सबने देख लिया है हमलावर कौन था और किस पर हमला हुआ। लेकिन उसके अलावा भी वहां 2 पार्टियां हैं, वहां सीपीएम भी है, वहां कांग्रेस भी है, उनका तो कोई इसमें रोल नहीं है। आप उनका प्रचार कैसे बंद कर देंगे, किस हक से आप कर सकते हैं ऐसा। आप ऐसे फैसले थोड़े ले सकते हैं कि जिसकी कोई नैतिकता ही ना समझ में आए, लेकिन ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। आप जानते ही हैं कि क्या गाली गलौज से यह चुनाव शुरू हुआ था, क्या धार्मिक प्रतीकों को सीधे सीधे इस्तेमाल किया जा रहा था, क्या धर्म के आधार पर बंटवारे की बात योगी आदित्यनाथ और एक जगह मायावती जी ने भी की थी। ये कुछ कर ही नहीं रहे थे, ये चुनाव आयोग है कि मजाक इन्होंने अपने को बनवा लिया था। लोग सुप्रीम कोर्ट गए उस पर, और सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको इनसे पूछा तो इनके वकील कहने लगे हमारे पास कोई राइट ही नहीं। लेकिन उसी शाम सुप्रीम कोर्ट ने जब उनसे लिखित में एफिडेविट में मांग लिया कि आप लिख के दीजिए इसको, तो उसी शाम मायावती जी को 48 घंटों के लिए और योगी आदित्यनाथ जी को 72 घंटों के लिए आपने चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी। कहां से आपके दांत निकल आए, सुप्रीम कोर्ट में तो आप कह रहे थे आपके कोई राइट ही नहीं है। तो ये जो तरीका नजर आया आपको, हमको जिस तरह से चुनाव आयोग ने अपने आप को पेश किया हमारे आपके सामने, वो बहुत ही लिजलिजा और शर्मनाक है। अब उसकी वजह क्या है, बहुत मैंने पड़ताल की। जो हमारे वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब है, ये जनाब राजस्थान कैडर से आते हैं, 56 की पैदाइश है इनकी, और होशियारपुर पंजाब में जन्मे हैं। ये भारत सरकार में, इनकी सरकार में, एनडीए टू की सरकार में और राजस्थान राज्य में जो मुख्यमंत्री रही हैं बीजेपी की वसुंधरा राजे, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में, यहाँ कई डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी के रूप में काम कर चुके हैं। जब ये मुझे बताया गया कि जब ये वसुंधरा राजे जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, आप जानते हैं उस पिछली वाली जो सरकार थी, इससे पिछली वाली, उस जमाने में वहां एक सज्जन थे जो आज देश से भागे हुए हैं पिछले 8-10 साल से, उनका नाम है ललित मोदी। उस सरकार को ललित मोदी की सरकार कहा जाता था। ललित मोदी वहां एक क्रिकेट क्लब के बहुत आलीशान, उन्होंने होटल नुमा अड्डा बनाया हुआ था, वहां वो हुआ करते थे अपने चेले चांटों के साथ, और सेक्रेटरीज वहां फाइलें लेके जाया करते थे। कभी कभी वो वहां के सबसे बड़े होटल के डिफरेंट सूट्स में हुआ करते थे, सेक्रेटरीज वहां फाइल लेके जाया करते थे, और उन फाइल ले जाने वालों में एक नाम अनफॉर्चुनेटली मेरे सोर्स ने बताया इनका भी था। इसके बाद ये केंद्र सरकार में रहे, ये 2 जगह सेक्रेटरी रहे, INB सेक्रेटरी रहे, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के 2016 दिसंबर से 31 अगस्त 2017 तक, और स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेक्रेटरी रहे 31 अगस्त 2015 से 30 अप्रैल 2016 तक। इसके बाद DG एंड CEO हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सितंबर 2017 से दिसंबर 2018 तक। लेकिन ये दिसंबर में ही हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए थे, और उसके पहले ये 17 में मेंबर बन गए थे इलेक्शन कमीशन के। अभी मैं इसकी पड़ताल नहीं कर पाया, इस स्टोरी को आपके सामने रखने तक, कि ऐसा कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि एक ही समय में ये चुनाव आयोग में सदस्य भी हो गए हैं, और उस समय एक संस्था के DG और CEO भी साथ साथ चल रहे हैं, जिसमें करीब 80,000 रुपए का वेतन इनको मिल रहा था, तभी रिटायर हो चुके थे IAS से। और जैसा मैंने बताया कि ये राजस्थान के CM के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं, भैरव सिंह शेखावत के साथ भी रहे हैं, तो इनका काफी क्लोज रिश्ता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, और राजस्थान में होने के नाते जहां बारी बारी से भाजपा और कांग्रेस की सरकार आती है वहां से आने वाले राजनेताओं से रहे हैं, और हो सकता है कि यही क्वालिफिकेशन इनको वहां तक ले गई हो जहां वो आज है। लेकिन हमारा उससे मतलब नहीं है, हमारा मतलब है कि अब आप एक स्वायत्त शासी संस्था में है, आपको इस देश के जो हमारा कायदा है संविधान, और इस देश की संसद, और इस देश की जनता, और इस देश के सुप्रीम कोर्ट के सामने जवाबदेह होना है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है
कि आप जिनके लिए जवाबदेह हैं उनकी जवाबदेही को पूरी अपनी ईमानदारी से निभाएं, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये सब सवाल उठ के आएंगे ही। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया था, जैसा मैं अभी आपको बता रहा था, उसके बाद ये छोटे मोटे एक्शन हुए थे। इलेक्शन कमीशन का जो काम करने का तरीका है, जो उसका कायदा बना हुआ है, वो कायदा बताता है कि वहां मेजॉरिटी से डिसीजन लिए जा सकते हैं, बहुमत से, वो फैसले वहां बहुमत से होते हैं। तो अगर जिन्होंने, एक सज्जन ने विरोध किया भी है, अगर वो अकेले रह जाएंगे तो वो फैसले होते रहेंगे, कोई फैसला नहीं रुकेगा। अब जो तीसरे सज्जन है, जो इसमें सबसे जूनियर है, वो आईएएस सर्विस से नहीं है, वो मिलती जुलती आईआरएस सर्विस के हैं। वो सज्जन हाल ही में आए हैं, उनका नाम है सुशील चंद्रा, और ये सीबीडीटी जो वित्त मंत्रालय के तहत होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उसके चेयरमैन थे, जेटली साहब के नीचे जो डिपार्टमेंट है, और ये रेवेन्यू सर्विस के अफसर हैं, ये वहां से अभी आए हैं। तो ये हो सकता है कि अभी इनको समय लगे या जो भी हो, इनकी अभी प्रतिक्रिया कभी सामने नहीं आई, लेकिन अगर सामने अशोक लवासा साहब और सुनील अरोड़ा साहब आमने सामने हैं तो उसमें इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। एक और बड़ी मेजर बात है इस स्थिति में, कमजोर जो पक्ष लाती है वो क्या है, जो हमारे यहां लॉ कमीशन है, उसने 2015 में ही ये रिकमेंड कर दिया था कि हम अगर 3 सदस्यीय चुनाव आयोग चला रहे हैं, या इसको बहुत सदस्यीय कह सकते हैं, और लोगों की भी नियुक्ति की जा सकती है, तो हमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसकी और बाकी 2 सदस्यों की संरक्षा का काम बराबर पे लाना चाहिए। क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो इस बात पर है कि उनके खिलाफ महाभियोग आएगा संसद में, तभी वो हटाए जा सकेंगे, लेकिन बाकी दोनों के बाद कोई संरक्षा प्राप्त नहीं है, तो वो दोनों अपना न्याय कैसे करेंगे। तो 2015 में मार्च में ही लॉ कमीशन ने सरकार को रिकमेंड किया कि वो संशोधन करके कानून में इन दोनों को भी बराबरी का दर्जा ले आए, जिससे इनके जो हटाने का तरीका है वो भी उसी तरह से हो जैसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हो। लेकिन आप जानते ही हैं कि मोदी जी की सरकार में इस तरह के सुझाव तो डस्टबिन में होते हैं, तो 2015 से ये सुझाव डस्टबिन में है। एक और बहुत ही बड़ा अभी सूचना, मैं जब रिसर्च कर रहा था तो निकल के आई, सरकार बनने के 6 महीने बाद, सिर्फ 6 महीने हुए थे, मई में सरकार बनी, अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर में हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक नोट बढ़ाया, अक्टूबर में उनके प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्रा जी ने, नरेंद्र मोदी जी के प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्रा जी ने एक नोट बढ़ाया इलेक्शन कमीशन को, यह था 7 अक्टूबर 2014 को, कि साहब ऐसा है कि अगर जब चुनाव चल रहे होते हैं देश में, तो हर 6 महीने 8 महीने में चुनाव होते रहते हैं, और प्रधानमंत्री को एक दल विशेष का होने के नाते और एक दल का नेता होने के नाते उनमें जाना ही पड़ता है, लेकिन उस समय हम सरकारी काम पेंडिंग नहीं कर सकते, तो प्रधानमंत्री के दौरों को जो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है उससे अलग कर दिया जाए। इसके पहले ऐसा कानून था कि अगर प्रधानमंत्री जी कहीं सभा करने जाएंगे तो सुरक्षा वगैरह के खर्चों को छोड़कर, वायुयान वगैरह के उपयोग को छोड़कर, बाकी उनके खर्चे राजनीतिक दल के हिस्से में डाल दिए जाएंगे, तो वो एक सीमा बना देते थे। लेकिन अब अक्टूबर 2014 के इस फैसले के बाद, जो जिस दिन ये नोट भेजा गया उसी दिन इलेक्शन कमीशन ने शाम को वापसी चिट्ठी में ये प्रस्ताव मान लिया। आप ये जानते नहीं होंगे, खबर अभी अभी निकल के आई है कि अब हमारे प्रधानमंत्री जिस भी जिले में अपने लोकसभा प्रत्याशी के प्रचार में जाएं, वहां एक सरकारी मीटिंग का कागज चला देंगे, और उसके बाद उनका कोई खर्चा, रैली करने का, इसका उसका, सारा खर्चा वो अब पब्लिक एक्सचेकर, आप और हम देने को मजबूर है, और वो सरकारी संसाधनों का निर्बाध इस्तेमाल कर सकते हैं। बीच में आपने देखा था कि नीति आयोग ने एक पत्र लिखा था जिलाधिकारियों को देश भर के, कि आप अपने अपने यहां से हमें इंफॉर्मेशन भेजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की सभाएं लगेंगी और ये होगा, तो उनके पास ब्रीफ रहेगा कि उस जिले में क्या उनको बोलना है। जब इस पर शिकायत हुई तो नीति आयोग ने उसी फैसले का, जो 7 अक्टूबर 2014 में कर लिया गया, जिसके जरिए अब प्रधानमंत्री को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से एग्जम्प्ट कर दिया गया है। तो आप प्रेम से 102 या 103 सभाएं की हैं प्रधानमंत्री जी ने, सारी सभाएं हमारे आपके खाते में है। प्रचार बीजेपी का है, बीजेपी तो अब बची नहीं है, प्रचार मोदी जी का है, अब तो पार्टी भी मोदी ही है, तो प्रचार मोदी जी का है, खर्चा हमारी आपकी जेब से है, टैक्स पेयर की जेब से है। ये जो बहुत ही होशियारी से संस्थाओं का, जो लोकतंत्र की ताकत थी, उन सबको धीरे धीरे बकरी बना देना, और उनको इस तरह का बना देना कि जिनमें रीढ़ ही न रहे, और जो हर गलत काम को सही कहते जाएं, और जो हर सही काम को गलत तरीके से करने की ओर बढ़ते चले जाएं, ये प्रक्रिया इस सरकार के बनते ही शुरू हो गई थी। ये एक उसका बहुत बड़ा प्रमाण है, और ये बात अभी खुली तब जब नीति आयोग ने इसका जवाब दिया।
नहीं दिया। आयोग ने अपने बचाव में कहा कि फलानी तारीख के उस आदेश के तहत प्रधानमंत्री से एग्जम्प्टेड है और हम प्रधानमंत्री के लिए काम कर रहे हैं। तो अब पूरी की पूरी सरकार, हालांकि इस पार्टी के पास इस समय इस देश में खर्च करने के लिए सबसे ज्यादा धन पहले से है, लेकिन उन्होंने देश के पूरे खजाने को भी अपने इस्तेमाल में कानूनन तय करा लिया है। और यह नोट जब गया था और उसी दिन वापस जो आ गया था, उस समय एक सज्जन थे वहां पर, वो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर थे विनोद जुत्सी। विनोद जुत्सी साहब ने दोपहर में 11 बजे रिसीव किया और 4 बजे उसका जवाब ओके में करके वापस पीएमओ को भेज दिया था। विनोद जुत्सी साहब इस चुनाव में त्रिपुरा में स्पेशल ऑब्जर्वर बनाए गए थे, जहां सबसे ज्यादा हिंसा हुई है। बंगाल में नहीं हुई है, त्रिपुरा में सबसे ज्यादा हिंसा हुई है, जहां सबसे ज्यादा पोलिंग बूथों पर पुनर्मतदान हुआ है, जहां एक इलेक्शन को डेट पोस्टपोन करनी पड़ी, सिर्फ 2 सीट का राज्य है, जहां सबसे ज्यादा बड़ा पाप हुआ है और जहां मीडिया ने उसको छुपाने का उससे भी बड़ा पाप किया है, उस जगह पर इनको स्पेशल ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया था। उत्तर पूर्व के सारे राज्यों में इसी तरह के लोग भेजे गए थे। हमारे लोकतंत्र के 4 पाए हैं, 2 पाए काम करते हैं, 2 पाए उनको मॉनिटर करने का काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और प्रेस का यह काम है कि उनकी मॉनिटरिंग करें, उनको कानून कायदे पर रखें, प्रेस उनकी आलोचना करे और सुप्रीम कोर्ट उसको कानून सम्मत है कि नहीं इसकी जांच करे। अब ये संस्थाएं, आप देख ही रहे हैं कि मीडिया का क्या हाल है। मीडिया इतना फेवरेबल है कि उनकी ओर से गोली चला रहा है, लाठी चला रहा है खबरों की, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं है। और चुनाव आयोग से भी इतनी रीढ़हीन भूमिका निभाने के बाद भी हमारे शासक संतुष्ट नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने इसी चुनाव आयोग की, जिसने उन पर कुछ नहीं किया, उनके हर फैसले को चुनाव शुरू करने से पहले से, चुनाव इस पार्टी की जरूरत, इस शासक ग्रुप की जरूरत के हिसाब से बनाए गए। बंगाल जैसे राज्य में 7-7 चरण में चुनाव इसलिए हो रहा है कि बंगाल से इनको ज्यादा उम्मीदें हैं कि वहां इस बार हिंदू मुस्लिम करके ज्यादा सीटें ले सकते हैं, इसलिए 7 चरण में हो रहा है। बिहार में 7 चरण में हो रहा है। यूपी चलिए बड़ा राज्य था, आप करते 7 चरण में, कोई एतराज नहीं। लेकिन जो और दूसरी जगहों में हुआ है, कर्नाटक 2 चरण में किया गया, दूसरा कोई दक्षिण का राज्य नहीं हुआ, तमिलनाडु नहीं हुआ, बगल में कर्नाटक हुआ। तो जो चाहा इस मौजूदा निजाम ने, चुनाव आयोग उसमें चुनाव शुरू करने से पहले भी झुका हुआ था उस राय पर, और चुनाव चलाते समय तो एकदम आप देख ही रहे हैं जो रोज हो रहा है। तो ये जो गंभीर पॉइंट्स जो मैं आपके सामने लेके आया हूं मित्रों, जो तथ्य मैंने ढूंढे हैं, ये जो इनको ध्यान से अपने दिमाग में बैठाइए, अपनी भूमिका स्वयं तय कीजिए। पहले हमारे यहां सिर्फ एक सदस्यीय चुनाव आयोग होता था, सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था और चुनाव हमारे कंडक्ट होते थे। ये 91-92 में कांग्रेस की सरकार, उस जमाने में नरसिम्हा राव की जब आई, तब हमारा 3 सदस्यीय आयोग 93 में बना है। पहले एक टेस्ट के लिए, वो भी शायद 89 की बात है, एक हमारा आयोग में एडिशनल सदस्य जोड़ा गया था। लेकिन अब हमारा 3 सदस्यीय आयोग है पिछले काफी समय से, मेरा ख्याल 93 के बाद से लगातार ये चला आ रहा है कि 3 सदस्यीय आयोग है, और उसमें हमने काम करने का तरीका तय कर रखा है। बहुमत से हम, अगर कोई किसी राय पर मतभेद है तो बहुमत के फैसले का हम आदर करते हैं, वो ठीक है, लेकिन अगर बहुमत इस तरह से हासिल किया जाएगा, आप स्वायत्त शासी संस्थाओं में बिना रीढ़ के लोगों को बैठा देंगे जो छोटे स्वार्थ में लोकतंत्र को बेच देंगे, तो इस देश का जमीर मर जाएगा। अगर हमारा चुनाव पर विश्वास नहीं बचेगा जो इस तरह के कारनामों से हमें नजर आता है, तो हमारे लिए इससे शर्मनाक और कुछ भी नहीं हो सकता, ये बहुत ही शर्मनाक होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये जो मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए, इन पर हम ध्यान दें, अपनी भूमिका तय करें और उस भूमिका को अंजाम तक ले जाएं। हमारे देश में देखिए, अफसर बाहर आए, सेना के बहुत से अधिकारियों ने इस सब पर सवाल उठाए, हमारे लेखकों पत्रकारों का एक वर्ग, यह सच है कि हर चीज में बंटवारा हो गया है, उनके पत्रकार और देश के पत्रकार, उनके अफसर, उनका चुनाव आयोग, उनका सुप्रीम कोर्ट वाला हिस्सा, यह होता चला जा रहा है, देश बढ़ तो रहा है, लेकिन हमें उन सवालों पर एक करने की कोशिश लगातार बढ़ाते रहनी है जो सवाल इस देश को बचाए रखने में और इस देश को एक रखने के लिए बहुत ही जरूरी है और बहुत ही जिम्मेदारी भरे हैं। हमारी नागरिक जिम्मेदारी रोज बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब सत्ता के प्रतिष्ठान तानाशाही के रास्ते की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो वो इसी तरह की संस्थाओं को पहले कागजी बनाते हैं। ये हमारे लिए जरूरी है कि हम इस पर ध्यान दें, और हम इस पर ध्यान देते हुए चुनाव आयोग और प्रेस और आपका सुप्रीम कोर्ट, इनकी जो स्वायत्तता और ईमानदारी और इंटीग्रिटी है, उसको बरकरार रखने के लिए जो संभव हो वो करें और जरूर करें। हम हमेशा आपसे कहते हैं कि हम ऐसे सवाल लाएंगे जो आपको उद्वेलित करें। इस बार फिर हम लोगों ने चुनाव आयोग पर ये तैयारी करके आपके सामने पेश किया है। आपके पास भी इस संबंध में कोई सूचना हो हमें शेयर करिएगा, हम उसे वेबसाइट पर अपनी लेंगे। इससे संबंधित जो जानकारियां हमने डिस्कस की हैं वो रिपोर्ट के तौर पर आपके पास